हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्लैक चना की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही इजी वे से इसको बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट रहेगा। आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी बनी हुई लग रही है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किए, बिल्कुल नॉर्मल इंग्रेडिएंट से ही हमारी सब्जी तैयार है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चना को 5 से 7 घंटे के लिए भिगोकर रखना है, जैसे कि आप इसको पूरे रात भर भिगोकर रख सकते हो और सुबह इसको बना सकते हो। अगर शाम को बनाना है तो पूरे सुबह से इसको भिगोकर रख सकते हो। तो जैसे हमारे ब्लैक चने से इसका छिलका निकलना स्टार्ट हो जाए, तो इट मीन्स कि ये बनने के लिए तैयार है। तो हमने 500 ग्राम इसकी क्वांटिटी ली थी, ये 500 ग्राम चने हैं। इसमें से एक कटोरी हम चने की निकाल लेंगे ग्रेवी के लिए। तो सबसे पहले हमने चने को वॉश कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद इसको हम कुकर में ऐड करेंगे, और साथ में इसमें हम गर्म पानी ऐड करना है। और आप देखना इस तरीके से बनाकर कि चने कितने सॉफ्ट बनते हैं। तो अब इसमें एक तेज़पत्ता ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी दालचीनी। अब हमने इसको शेव इसे लगवानी है। तो बाकी का मटेरियल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये 1.5 इंच के करीब अदरक लिया है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 8 से 10 हमने हरी मिर्च ली है, 3 प्याज और 4 टमाटर लिए। अब इसको कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ये सूखे लाल मिर्च का छिलका ऐड करेंगे। इससे जो सब्जी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें से बीज निकाल देंगे ताकि सब्जी में जो मिर्च है वो ज़्यादा तेज़ ना हो। तो ऐसे ही हमने इस सारे छिलकों को खाली कर लेना है। तो जब तक चने बॉईल होते हैं तब तक इस मटेरियल को तैयार कर लेते हैं। तो हम जार में ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, और इसका हम एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें इसको निकाल लेंगे एक बॉयल में, और जो हमने एक कटोरी चने की निकाली थी उसको भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो हमने चने को भी दरदरा सा पीस लिया है, क्योंकि इससे जो ग्रेवी का ग्रेवी की थिकनेस है ना, वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो अभी हमने जो छिलके खाली किए थे लाल मिर्च के, उसको उसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड करेंगे, और उसका भी एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, और इसको हम सब्जी में लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये हमारा सारा मटेरियल रेडी हो चुका। तो अब हम सारे स्पाइसेस एक साथ ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच इसमें हल्दी ऐड करेंगे, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, और 1 चम्मच वाइट नमक, और आधा चम्मच इसमें हम काला नमक ऐड। हमारे चने को भी शेव विसल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि चने पक चुके हैं या अभी इसको और विसल लगेगी। तो वाओ, फाइन, हमारे जो चने हैं वो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। आप देख रहे हो कितने अच्छे से वो प्रेस हो रहे हैं। तो अब चलते हैं तड़के की ओर। अब हमने पैन में ऑयल डाल दिया, और ऑयल गर्म होने पे इसमें 1 चम्मच जीरे का ऐड करेंगे, और साथ में इसमें हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे। तो सारे पेस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप देख रहे हो कि देखने में तड़का कितना अच्छा लग रहा है। अभी मन हो रहा है कि इसके साथ ही रोटी खाई जाए, लेकिन अभी इसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने इस पेस्ट को बहुत ही अच्छे से पकाना है। अगर आप चाहते हो कि सब्जी का टेस्ट अच्छा आए, तो मैं सारी वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप तड़के को बहुत ही अच्छे से पकाएं, आपकी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो जैसे हमारा पेस्ट अच्छे से पक चुका है, उसमें हमने चने को जो दरदरा सा किया था उसको भी ऐड कर दिया। अब इसमें 1 कटोरी हमने पानी की ऐड किए, और बाकी के सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, और साथ में 1 कटोरी और पानी की ऐड करेंगे, और इसको पकने के लिए थोड़ी देर और छोड़ देंगे। तो इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाएंगे, और पकने के बाद देखते हैं हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से बन चुका है, तड़का रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे चने।
अभी हमने इसमें चने को ऐड कर दिया है मसाले में। इसको हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे, क्योंकि चने तो ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन इसको 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि जो मसाले है वो सब्जी में चनों में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे उनको निकाल देंगे, और उनको निकालने के बाद अब इसमें इसको हम थोड़ी देर ढककर छोड़ देते हैं, और इसको 3 से 4 मिनट बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और जो हमने एक सूखी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करते ही सब्जी का कलर चेंज हो चुका है, तो जो सब्जी की लुक होती है ना वही हमें भूख लगने पे मजबूर करती है। अगर सब्जी का कलर अच्छा हो तो उसी से हमें भूख लग जाती है, अगर सब्जी का कलर ना अच्छा हो या वो देखने में उसकी लुक अच्छी ना हो तो लगी हुई भूख भी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मुझे तो ऐसे ही भूख लगती है, अगर सब्जी का कलर और उसका लुक अच्छा हो तो मुझे भूख लग जाती है। तो लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे ब्रीक कटा हुआ धनिया, जो कि सब्जी की बैकबोन है। लास्ट में जो लुक आता है ना तो धनिया से ही आता है। तो गाइस आप इसको ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।